राजनांदगांव जिले में पिछले 24 घंटे से अधिक समय से रुक रुक कर हो रही बारिश से जिले के नदियों नाले उफान पर आ गए हैं। जिले के निचले इलाकों में पानी भर गया है, इससे जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। कुछ मकानों से लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है। मामले में जिला प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई है। पीड़ित लोगों का कहना है कि प्रशासन द्वारा मुनादी करवा दी जाती है तो उन्हें अपने सामानों को सहेजने का मौका तक नहीं मिलता है। आपको बता दें कि मौके का जायजा जल स्तर बढ़ने से जो निचली बस्तियां हैं, जिले की निचली बस्तियों में पूरी तरह से पानी भर चुका है। वहीं मोंगरा बैराज डैम से 72,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से जो निचली बस्तियां हैं, आप पीछे इधर तस्वीर देख सकते हैं, यहां पर जो घरों में और दुकानों में पूरी तरह से पानी भर चुका है। वहीं जो यहां पर बच्चे भी आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, पानी जो है 2 से 3 फीट तक इन बस्तियों में भर चुका है। वहीं यहां का जो स्कूल है वहां भी पानी भरने के कारण छुट्टी कर दी गई है। यहाँ पे कुछ यहाँ के रहवासी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कब से है ये बाढ़। कल 12 बजे थे, आज 12 बजे तो भी अभी हटा नहीं है कल से। और यहाँ इताला भी नहीं हुआ था, कोतवालों द्वारा, पार्षद द्वारा कोई इताला नहीं किए थे। क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको पानी भर जाने का? परेशानी तो कुछ नहीं, हम लोग को सामने वाले जो बगीचों में रुके ना, जो घर है अंदर बत्ती पुरान घर, वो लोग को परेशानी था आने जाने। निकाले रात में थोड़ा बहुत। कितने लोग थे जिनको निकाला गया? निकाले तो 8-10 आदमी को निकाले थे। अच्छा, कौन सी यहाँ पे कोई टीम आई थी बाहर से, प्रशासन से लोग आए थे? हाँ, प्रशासन से आए थे ना, रात में 11-12 बजे रात में निकाले उसको। जी, तो जैसा कि आपने सुना कि प्रशासन से लोग आए और उन्हें यहाँ से निकाला गया, क्योंकि कुछ लोग पानी भर जाने के कारण अपने घरों में फंस चुके थे। अक्षय साहू, INH News, राजनांदगांव।